नीचे होके करो। चैनल इंडियन होम इन कैनेडा नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है सैटरडे एंड आज है दशहरा। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। अच्छा भैया, नाया भी आपसे बात करना चाहती है। से हैप्पी दशहरा, दशहरा टू एवरीवन। से कैसे हो? कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा चलो फिर, अभी ना हम रेडी, मतलब नहा धो लिए हैं सभी, थोड़ा सा बस अब पूजा करते हैं। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। सो ये हैं जो मैंने बीजे थे। इट्स ग्रोइंग अप या, बहुत अच्छे हो गए हैं। और मम्मा ने बोला था चावल बना लेना, सो मैं ना इसमें शक्कर ऐड कर लूँगी क्योंकि मीठे चावल करने होते हैं हमें। ये ली मैंने प्लेट, ये मैंने लिया है लोटा, चावल भी लेती हूँ। ये मैंने शक्कर भी ले ली है, चावल भी ले लिए हैं। अब चलते हैं, जो रोली है वो मंदिर में है। चलो नाया आ जाओ, आओ बेटा, खेलते खेलते जाएगा अभी। चलिए जी, शर्मा जी ने अपना आसन लगा लिया। हाँ बैठो, ये रोली रख लो, यहाँ पे चावल मैंने रखे हैं। या जोत लगा लो। और कोई हुडी तो है ही नहीं। है ना एक हुडी। जय हो जय हो जय हो। गंगा जल से शर्मा जी इसको धोते हुए। देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा, बाजन को पुत्र बिरजन को माया, जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा, श्याम शरण लाए सपन की जसेवा, गंगा की पार्वती पिता महादेवा। हरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओ जगदीश हरे। इधर हो जाओ भैया के टीका लगाओ। गेमिंग शो में या इनपुट भैया। गुड जॉब। सिर तो ढक लेते यार अब। यार का ये है ना, जो जो यार अभी ढक ने। हां चावल चावल फोर हेड पे मिला दे। हां चावल लगा दे फोर हेड दे बच्चे भैया दे। गुड जॉब। इट्स ओके इट्स ओके। गिव दिस टू भैया माउथ। हां लिटिल प्रसाद तक गिव दिस लिटिल। थोड़ा जा खा ले अरे प्रसाद है, थोड़ा जा खा ले। हां चलो इन थले रख। हां जो इट्स कॉल्ड जो, कैन यू से जो लाइक दिस? एमए कर दे। हां कर दे भैया दे कान ते। आगे हो जा। ये गुड जॉब। हां मैं कहनी फोटो आ गई। अच्छा खाना। अच्छा हुन भैया पैसे दोगा ना यानो? भैया पैसे दे देना। थैंक्स थैंक्स। पहले तो दे दे भैया, पहले तो देना है। बहुत बहुत
चंगी तरह कर ले भैया मेरा प्यारा भैया मेरा राज दुलारा भैया इना प्यारा भैया किसे दा नहीं हैगा मेरा ही है मेरा ही है इट्स ओके इट्स ओके आय मेरी लाडो आय मेरी सोना नीचे उठे करो सूरज देवता को चढ़ा दीजिएगा हाइडिंग व्हाई आर यू हाइडिंग इतनी ठंड हो रही है आप ठंड में ऐसे चले गए तो चलिए जी हैप्पी दशहरा टू एवरीवन वंस अगेन दशहरा हमने अच्छे से कर लिया हम बच्चों को सिखाते हैं बच्चे मतलब फन भी हो जाता है बच्चों को सिखाते भी हैं फन फन में अगर जबरदस्ती इनको बिठाए ना कभी ना बैठे ये और आज है दशहरा एंड राइट नाउ टाइम इज 10:15 आज हमें जाना भी है कहीं दादूज हाउस या नायन ने रट लगा के रख लिया आई हैव टू गो टू दादूज हाउस सो यस हमने जाना है यू वांट टू गेट द ओरियोज ओवर देयर ओके यू कैन ईट ओके यू वांट टू ईट समथिंग हियर आई वांट टू ईट ओरियोज आया इज रेडी My princess is ready. Where we are going? Yeah, where we are going? We are going to Dadu's house because we are going to get play and have so much fun. This is Arav. So ये है हमारा Arav. Hi Arav. Hi. अब head of the family की बारी है. Hello. So this is my look. Yeah. बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं. प्यारे घर हम आते हैं हमारी वेट करना मैं मिस करूंगी तुम्हें थोड़ी देर में क्योंकि मुझे अपने घर से बहुत प्यार है सभी को होता है ना तो आप बताइएगा हम सभी कैसे लग रहे हैं है ना अब तो नहीं लग रही ठंडी मम्मा ने जैकेट डाल दी चलो 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 नया माय प्रिंसेस चलो हम भी चलते हैं शर्मा जी आ जाइए Yeah, I like your shoes. Yeah, there are rainbow lights. Yeah. When it was raining last time, it was warm, not working. Okay. चलिए जी चलते हैं. चलो आरो बैठो बेटा. I have to tie your shoes. चलो ना यहाँ बैठो. No. चलिए जी ओम नमः शिवाय. श्री गणेशाय नमः हाय अनाया हाय गए हैं हम काफी दूर था दूर है मतलब हाय अनाया कम ऑन या कम दिस इज द हाउस नींद आ रही है चलिए जी हम जा आए हैं हम अपने रिलेटिव्स के घर गए थे
उन्होंने न्यू घर परचेज किया है, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. हमने वहाँ पे बोल दिया. सो या एरिया इज नाइस, थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, काफ़ी दूर है, 25 मिनट्स का रन इन द कार. बट या व्यू बहुत अच्छा था उनके घर का. बैक साइड पे ना लेक थी, सो मतलब बंदा सुबह सुबह उठे, प्यारा सा लेक का व्यू दिखे, दिन बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है. बस तो दूर है, इतना ही है. शर्मा जी चलते हैं अभी घर. अनायक आ रही है, निन्नी अंगूठा चूस रही है. हेलो जी, हम आ गए हैं घर. फंक्शन अच्छा रहा. अंदर चलते हैं. बच्चों आरव बात कर रहा है अपने फ्रेंड्स से. सो यस, फंक्शन अच्छा रहा. एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं था, मेरे हस्बैंड के जो कज़न हैं उन्होंने न्यू हाउस लिया है. सो उसकी आज पार्टी रखी हुई थी उन्होंने. एंड अच्छा हाउस है, पहले भी उनका अपना ही था बट उन्होंने अभी थोड़ा सा बड़ा लिया है. दूर बहुत था, मतलब ना जब जब हम जा रहे थे, जाते हुए काफ़ी लग रहा था रास्ता. जब हम जा रहे थे तो आरव तो कहता मम्मा ये तो बहुत दूर है. मैंने कहा हाँ दूर तो है, आते हुए नहीं हमें पता लगा. जाते हुए हमने डिफरेंट रूट लिया, आते हुए हमने डिफरेंट रूट लिया. सो या चलो अच्छा रहा सब कुछ. बस अनाया ने वहाँ पे कुछ नहीं खाया. इस लड़की को तो बस रोती रही मुझे प्ले करना है, मुझे प्ले करना है. एंड द थिंग इज़ कि हम इतना ज़्यादा नहीं ना जाते वहाँ पर, तो बच्चे उनके बच्चों के साथ इतने फेमिलियर नहीं हैं. कुछ अनाया भी छोटी भी है, इसको था कि मैं खेलूँ, मैं टॉयज़ के साथ खेलूँ. तो बस अनाया थोड़ा सा अपसेट हुई, रोने लगी, फिर इसको बोला कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तब तुम खेलना. बाकी सब कुछ अच्छा था. एंड आज का दिन तो बहुत ज़्यादा शुभ है, आज दशहरा भी है. सो उन्होंने स्पेशल दिन यही रखा था, तो बस अच्छा लगा. एंड अभी मैं चेंज करूँगी, पहले थोड़ी सी रील्स बनाती हूँ, क्योंकि एवरी सिंगल डे तो सूट्स वगैरह हम नहीं डालते हैं. तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि रील्स बना लेती हूँ. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो कर सकते हैं. मेरी इंस्टाग्राम आईडी है neha.vats555. राइट, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूँगी. एंड अनाया के बर्थडे की रील्स भी मैंने डाली है वहाँ पर, सो प्लीज़ चेकआउट. सो चलिए जी, बहुत देर हो गई है मुझे रील्स बनाते बनाते, थक गई हूँ मैं. यहाँ पर इतनी ठंडी है पर डांस करते करते मुझे गर्मी फील होनी शुरू हो गई है, सो वियर्ड. बट या ऐसा होता है. कौन कौन मेरी इस बात से एग्री है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा. एंड बाहर का वेदर बहुत प्यारा है, ये देखिए. अभी 3:07 रहते हैं बस, मैं अभी चेंज कर देती हूँ. एंड आप सभी बताइएगा कि आपका दशहरा किस तरह से गया, बहुत अच्छा गया होगा. एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन, लाइक जो ये दिन है ना, वो असत्य पर सत्य की जीत है, झूठ पर सच की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है. सो मैं चाहती हूँ कि इस संसार में हर समय ऐसा ही होता रहे, कभी भी असत्य ना जीते, कभी भी बुराई ना जीते. इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग एंड करती हूँ. मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ. टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग.